हाय माय फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों में से भी कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो आपको किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट? बिकॉज बहुत सारे मिथ्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि अगर आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना है या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। सो आज हम वही सारे मिथ्स यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जो चैनल है वो भी अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है। वैसे तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर वक्त चैनल आपका एक ग्रोइंग स्टेज में ही रहता है। अभी आप छोटे से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो सब्सक्राइबर्स से, धीरे धीरे आपकी फैमिली बढ़ना स्टार्ट होती है एंड बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, वो एड ऑन होते रहते हैं बट यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स की बात करेंगे क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है और मैंने वो सारी चीज़ें अभी रिसेंटली ही मैं फेस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना चैनल तो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन इस वाले इनोशन, इस वाले मिथ की वजह से पीछे रह जाते हैं कि यार अगर चैनल स्टार्ट करना है और उस पर काम करना है, बहुत प्लानिंग में लग जाते हैं कि फिर तो हमें इतना इतना खर्चा करना होगा, ये गैजेट्स की ज़रूरत होगी एंड ऑल। तो नहीं मेरे दोस्तों, आज मैं सब कुछ आपके सामने क्लियर करने वाली हूँ कि क्या क्या मैंने किया था स्टार्टिंग करने के लिए और क्या एक्चुअली में लिटरली जरूरी होता है, उसी पर बात करेंगे। सो देर नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ जितना भी इस वाले पार्ट में शेयर कर पाऊंगी। एंड मैं आपको बता दूं कि आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस के साथ मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ वन ऑन वन एंड आप लोगों की भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, अगर कोई भी मुझे देख रहे हैं और यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब का पार्ट बनना चाहते हैं, सो उन लोगों की हेल्प हो पाए तो आज से इस तरीके के वीडियोस भी चैनल पर आएंगे। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी यार, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फटाफट से क्लिक कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक करो, बेल बटन जरूर से क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए एंड आपको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक पर वीडियो आया है और आप आराम से वीडियो एंजॉय कर सको। सो या देखो, YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो YouTube पे अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, पैशन तो आपका है ही लेकिन साथ में आप कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो हर इंसान का रहता है ना, तो अगर आप YouTube से अर्निंग करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके लिए मोनेटाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो YouTube मोनेटाइजेशन के लिए आपको दो कंडीशंस को पार करना होता है। सबसे पहली होती है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। अपने चैनल पर आपको कैसे भी स्टार्टिंग में 1000 सब्सक्राइबर्स करने होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, हो जाते हैं, बिकॉज अगर आप डेली बेसिस पे कंटेंट बना रहे हो, डेली बेसिस रेगुलरली आप बना रहे हो, कंसिस्टेंसी से बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन बनाया और उसके बाद सीधा 15 दिन का गैप दे दिया, ऐसे आपको नहीं करना है, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है दोस्त। मेहनत नहीं करोगे तो वो चीज़ वहीं पर स्टक होके रह जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन 1000 सब्सक्राइबर्स आपको करने हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप जितना ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो ना स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा करो, बिकॉज इसके पीछे का एक बहुत सॉलिड रीज़न है। जब आप ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करोगे ना तो क्या होगा कि ऑडियंस बहुत वाइड है, ठीक है, और स्टार्टिंग में आपके पास ये एक तरीके का बोल सकते हैं कि आपको एक तरीके की ये छूट मिलती है कि आप किसी भी नीश के अकॉर्डिंग कंटेंट बना सकते हो, जिस भी टॉपिक पे चाहो, जैसा भी चाहो, बिकॉज आपकी ऑडियंस बहुत वाइड होती है, उसमें से सेलेक्टिवली लोग अपने अपने पसंद का कंटेंट, जिनको आपका कंटेंट पसंद आता है और वो वैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं, वो बन जाते हैं आपके सब्सक्राइबर्स, ठीक है। सो आप जितना ज़्यादा कंटेंट बनाओगे उतने चांसेस आपके पास हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स जल्दी गेन होंगे, बिकॉज किसी को हॉल वीडियो देखना पसंद होगा, किसी को मेकअप वीडियो देखना पसंद होगा, ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। इनिशियली आपको देखना होता है कि आपकी ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है और आप किस चीज़ में बेस्ट हो, राइट। फिर बाद में जाकर वो आगे की बात है कि आप एक प्रॉपर वाले उसमें चले जाते हो जोन में कि अब आपको इसी तरीके की वीडियोज़ बनानी है, बिकॉज तब तक धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते करते ना आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी ऑडियंस ये देखना पसंद कर रही है ज़्यादा पोर्शन में, तो आप उसी तरीके का कंटेंट उनके लिए बनाना स्टार्ट कर देते हो। बट हमें पहले मोनेटाइजेशन चाहिए, तो सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने आपको बता दिया, खूब सारा कंटेंट प्रोड्यूस करो और स्टार्टिंग में लंबी लंबी वीडियोस बनाओ, बिकॉज आपकी सेकंड कंडीशन तभी प्रूव हो पाएगी। सेकंड कंडीशन जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है फर्स्ट के कंपैरिजन में, 4000 आवर्स का वॉच टाइम आपको अपने चैनल पे करना होता है और कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं चलता उसमें, आपको एकदम ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है, 4000 घंटे पूरे करने होते हैं उसका। 4000 आवर्स वॉच टाइम का मतलब क्या है कि आपके ऑडियंस 4000 घंटे आपके चैनल को देख ले। तो ये दो कंडीशंस जब आपकी पूरी हो जाती हैं
तब आपका मोनेटाइजेशन का अप्रूवल के लिए आप डालते हो। मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी। इसमें मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीज़ें आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी हैं, ठीक है। सो 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 आवर्स वॉच टाइम आपको पूरा करना है। बता दिया मैंने, ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करो, लंबा कंटेंट प्रोड्यूस करो, तभी ये दो कंडीशंस आपकी पूरी होंगी। एंड इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग बनाने की कोशिश करो वीडियोस को, बिकॉज अगर आप बोरिंग बनाओगे तो कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं देखेगा, ठीक है। तो आप चूज़ कर सकते हो कि आप ब्लॉगिंग से स्टार्टिंग पॉइंट तो सबको चूज़ करना होता है ना, तो आप कोशिश करो, देखो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, राइट। उसके बाद बात आती है इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट्स को लेकर बॉस बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बिकॉज लोग क्या करते हैं, चैनल बाद में अपना बनाते हैं, उससे पहले ना इक्विपमेंट्स की टेंशन लेके महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खरीदना शुरू कर देते हैं। इक्विपमेंट्स में मैं जैसे आपको बताऊं कि बिगिनर्स किट अगर आप बनाना चाहते हो तो बेसिकली आपको एक ट्राइपॉड चाहिए। ट्राइपॉड इसलिए चाहिए, व्लॉगिंग में तो आप मतलब लाइक हाथ में पकड़ के भी फ़ोन व्लॉग कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा कंटेंट बना रहे हो, जैसे आप हॉल वीडियोस बना रहे हो या फिर आप कुकिंग वीडियोस बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ट्राइपॉड आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। और जैसे कि मैं ज़्यादा कंटेंट अपना व्लॉगिंग में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं कितनी देर तक यार फ़ोन ऐसे पकड़े रखूँगी। सो अभी मैं शूट जो कर रही हूँ वो भी मैं अपने ट्राइपॉड की हेल्प से ही कर रही हूँ। सो एक अफोर्डेबल ट्राइपॉड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप अमेजोन से इजीली परचेज कर सकते हो, या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हो तो नेहरू प्लेस मार्केट में आपको भर भर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत कम पैसों में आपको अच्छा खासा ट्राइपॉड मिल जाएगा। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है ट्राइपॉड परचेज करते टाइम, कि जो ट्राइपॉड आप ले रहे हो वो स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज आप उस पर अपना फ़ोन रखते हो यार, और आजकल फ़ोन्स कितने ज़्यादा महंगे हैं, कैमराज, आप प्रेशियस कैमराज उस पर प्लेस करते हो अगर आपके पास ऑलरेडी कैमरा है तो आपका जो फ़ोन या कैमरा है उसके प्रोटेक्शन के लिए आपका ट्राइपॉड स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि एकदम कोई ऐसा बिल्कुल ही बजट के चक्कर में बिल्कुल ही नीचे वाला चीप परचेज मत कर लेना, वो आपको अल्टीमेटली आपकी जो महंगी चीज़ है ना उसको ख़राब कर देगा, ठीक है। ये गलती मैंने की थी, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने अमेजोन से जो अपना फर्स्ट ट्राइपॉड मंगाया था ना, रद्दी था लिटरली, वो रद्दी, और बार बार ना उसकी रबर निकल जाती थी ट्राइपॉड पे ऐसे आगे। मैं आपको ट्राइपॉड भी दिखाऊंगी अपना, तो सारी चीज़ें शेयर करूंगी, इसीलिए बोल रही हूँ फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये सारी जो जर्नी होने वाली है ना काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए साबित होगी। बिकॉज एक बिगिनर, एक मतलब लाइक एक ग्रोइंग पर्सन ही आपको सिखा रहा है, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हो और वो गलतियाँ नहीं करोगे जो मैंने की, उनसे सीख कर आप जल्दी से सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है ना। सो ट्राइपॉड हो गया। ट्राइपॉड के बाद आपको चाहिए होता है फ़ोन या कैमरा, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, इनिशियली कैमरा में इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज पहले आप सीखते हो चीज़ों को, ठीक है। आप एक फ़ोन से स्टार्टिंग करो। मैंने अपना चैनल जो स्टार्ट किया था वो वीवो V7 का जो फ़ोन था उससे स्टार्ट किया था, एंड मतलब लाइक उस टाइम पे मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे पास वही फ़ोन था, तो मैंने उसी से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। और व्लॉगिंग से भी पहले मैं नॉर्मल लाइक मोटिवेशनल वीडियो या ब्यूटी रिलेटेड वीडियो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें शूट करती थी। मुझे अभी भी याद है मेरा पहला वीडियो था डिओड्रेंट के ऊपर, तो मैंने वो वीडियो वीवो V7 से ही शूट किया था, राइट। उसके बाद धीरे धीरे करके अभी जो मैं जिस फोन पे शूट कर रही हूँ, दैट इज OnePlus 9R, ये बहुत ज्यादा बाद में आकर मैंने लिया है, लेकिन स्टार्टिंग से जो कंटेंट मैंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था और काफी ज्यादा टाइम तक, आप ये मान लो 6 महीने 1 साल तक मैं वीवो V7 पे ही शूट कर रही थी, ठीक है। सो आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है फोन में या फिर कैमरा में। आप एक नॉर्मल फोन ले लो, नॉर्मल स्मार्टफोन से स्टार्ट करो। अपनी YouTube की अर्निंग से आप करना आगे जो भी आपको करना है, ठीक है, इनिशियली कैमरा में इन्वेस्ट मत करना। तो आपको एक नॉर्मल अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए जिससे आपका काम चल जाए, जो कि एडिटिंग हो जाए। एडिटिंग का सॉफ्टवेयर भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, और नॉर्मल फ़ोन हो जिसके अंदर इतने फीचर्स हों कि एटलीस्ट आपका जो एक अच्छा सा वीडियो है ना, नॉर्मल सा, वो बन जाए, ठीक है। क्वालिटी पे हम धीरे धीरे करके आगे बढ़कर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्वालिटी की बात कर रही हूँ, कंटेंट क्वालिटी तो हमेशा ही चाहिए रहती है। उसके बाद बात आती है रिंग लाइट की, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिंग लाइट लें या ना लें, बिकॉज रिंग लाइट में भी ना ऑप्शंस हैं। रिंग लाइट भी बहुत महंगी भी मिल जाएगी, बहुत सस्ती भी मिल जाएगी। तो रिंग लाइट ज़्यादातर अगर आप लोग रील्स बनाते हो, मतलब इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, शॉर्ट्स बनाते हो, और आपको लगता है कि लाइटिंग प्रॉपर नहीं है अभी शुरुआत में ही, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंस्टाग्राम पे मतलब रील्स प्रॉपरली बनानी है ये वो, तो आप रिंग लाइट ले सकते हो। लेकिन डिजिटेक की रिंग लाइट जो है वो थोड़ी कॉस्टली आती है, बट वो ही अच्छी होती है, क्योंकि मैंने जो रिंग लाइट्स ली थी नॉर्मल वाली, वो मेरी ठीक से चली नहीं और बहुत ज़्यादा उसमें डिफॉल्ट होता था बार बार। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप रिंग लाइट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप डिजिटेक की
ही लेना, ठीक है। वैसे तो शुरुआत में जरूरत नहीं होती यूट्यूब पे, अगर आप काम कर रहे हो बहुत सारे यूट्यूबर्स के आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग किस चीज़ से की थी, जो नेचुरल लाइट होती है, विंडो के आगे बैठ कर वो लाइक बनाते थे वीडियोज़, और मैंने भी ये चीज़ कई बार की है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप मतलब जो भी आपका बजट है, बिगनर्स किट है, वो बहुत सोच समझ के और अच्छे से बना लो, उसी से आपका काम चल जाएगा। और हमारा रिंग लाइट हो गया, कैमरा या फोन हो गया, हमारा ट्राइपॉड हो गया, हाँ माइक, माइक के लिए मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपका पिच अच्छा है, जैसे देखो मेरी जो आवाज़ है बिना माइक के काम चल जाता है, मैं अपनी एजुकेशनल वीडियोस भी बिना माइक के बना लेती हूँ, और ऐसे भी मैं अभी बिना माइक की आपसे बात कर रही हूँ। सो फोन का माइक हमारा काफ़ी होता है, हमें अलग से माइक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्लो बोल रहे हो, तो मार्केट में नॉर्मल रेट पर माइक्स अवेलेबल हैं, या ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो। मत देख, दूसरों की देखा देखी इन्वेस्ट मत कर देना, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप ही बाद में लाइक उस चीज़ पे पछताओगे, और फिर आपको आदत पड़ जाएगी महंगी महंगी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की। लेकिन यार चैनल बनाना है ना, चैनल से हमें धीरे धीरे अपना लाइक सब कुछ ग्रो करना है ना, तो जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा, यूट्यूब खुद आपको उतना इनकम दे देगा कि आप जो चाहे जैसे चाहे गैजेट्स परचेज कर पाओ, और अपने हिसाब से अपने चैनल को ग्रो करके जहाँ तक भी ले जाना चाहते हो वहाँ तक ले जाओ। बट ये तो हो गए नॉर्मल इक्विपमेंट्स की बात, लेकिन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको चाहिए अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो सही मायने में। देखो आपकी मेहनत, आपको कंसिस्टेंसी से यूट्यूब पर काम करना होगा, बिकॉज मैंने बताया आपको कि आप अगर एक वीडियो बना रहे हो, फिर 15 दिन बाद वीडियो बना रहे हो, फिर महीने बाद वीडियो बना रहे हो, बॉस नहीं चलने वाला चैनल। मतलब लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मुझे YouTube पे काम करते करते अप्रोक्स 1.5 ईयर या अप्रोक्स 2 ईयर के आसपास होने वाला है, लेकिन स्टिल मेरे चैनल की जो ग्रोथ है वो धीरे 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 हो रही है, ठीक है। बिकॉज मैंने भी यही गलती करी थी, स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसके बाद बीच में मैंने चैनल पे ध्यान देना ही छोड़ दिया, मतलब मैं भूल ही गई कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है। एंड उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे सडनली याद आता है, वो भी सिद्धार्थ की बदौलत जो कि मेरा भाई है, कि हाँ यूट्यूब पर हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं। 6 महीने के बाद मैंने उस पर कंटेंट डाला, एंड मेरी ग्रोथ इतनी स्लो चल रही है ना इस टाइम पे, हो रही है, ऐसा नहीं है, ग्रेजुअली ग्रोथ हो रही है, चैनल बढ़ रहा है आगे, बट स्टिल जो स्पेस पे जल्दी जल्दी हो सकती थी या अब तक हो चुकी होती वो नहीं हुई है। तो ये गलती आप मत करना, कंसिस्टेंटली वीडियो बनाओ। अगर आप ये बोलो कि मिनिमम कितनी चाहिए चाहिए, तो एक वीक में एटलीस्ट आप 3 वीडियोज तो अपलोड करो ही करो, ठीक है। सो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, हार्डवर्क अपना बनाए रखना है। उसके बाद भाई आपको यूट्यूबर बनना है अगर, तो आपको पेशेंस चाहिए। विदाउट पेशेंस यहाँ पे आपका कोई काम नहीं चलने वाला है। मैं तो बोलूँगी मत स्टार्ट करना अगर पेशेंस नहीं है तो, बिकॉज ये मत सोचना कि आज आपने वीडियो बनाई, 10 दिन बाद वीडियो बनाई, 15 दिन तक आपने कंसिस्टेंसी से वीडियो बनाई एंड रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। YouTube इतनी जल्दी आपको सक्सेस नहीं देगा, आपको ग्रेजुअली धीरे 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 करके ही ग्रो करना होगा, सब चीज़ें सीखनी होंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन आज बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे मैं आपको बता पा रही हूँ, और ये चीज़ें मुझे किसी ने बताई नहीं, मैंने भी लाइक कहीं कहीं पे वीडियोस में सुनी, लेकिन ज़्यादातर जो मेरी मतलब लाइक नॉलेज गेन हुआ या जो हुआ वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से हुआ। किस तरीके से एल्गोरिदम काम करता है आप कभी नहीं पहचान सकते, कभी कभी आपका एकदम बकवास वाला कंटेंट भी ऊंचा उठ जाता है, और कभी कभी आपने बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाया होता है वो भी नहीं चलता। तो प्लीज़ पेशेंस अपने अंदर रखना, मिलेगी सक्सेस, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना, खुद को डेली मोटिवेट करना काम करने के लिए, और मतलब लाइक शुरू में तो सोचना ही मत इस चीज़ को कि हाँ आपको कुछ बैक पे बैक मिलेगा इस चीज़ का, शुरू में मत सोचना, बिकॉज आप उस चीज़ से डिसअपॉइंट होने वाले हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करनी पड़ जाएगी बॉस, और उसके बाद आपको एक टाइम के बाद लगेगा कि नहीं चलाना आपको ये चैनल, और ऐसा लगने लगेगा कि आपने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। बट ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है, यूट्यूब आपको जो आप डिजर्व करते हो वो ज़रूर से देता है, बट टाइम टेकिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और कई बार लक अगर अच्छा हो, आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा रेयर है, तो आपको यूं भी हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को 6 महीने 3 महीने में भी मोनेटाइजेशन मिलते हुए मैंने देखा है, ठीक है ना। सो होप मत हारना, अगर आपको सच्ची में बनना है, आपको करना है कुछ इस वाले फील्ड में, तो भाई लगे रहो, करते रहो करते रहो, ठीक है। इक्विपमेंट्स की बात मैंने आपको बता दी, यही यही मेजर चीज़ें आपको चाहिए रहती हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कैमरा को फेस करने का, लोगों से बात करने का,
तो फिर तो मतलब ये जो फील्ड है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाने वाली है आपके लिए। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही, रियलिटी बता रही हूँ, अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। आप अपने ऊपर बिलीव रखो, जैसे हो जो हो, अगर आप करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो, जरूर जरूर कर सकते हो। सो एक बिगनर्स किट बनाओ, छोटी सी जो मैंने चीजें बताई, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएंगी, अमेजोन पे भी मिल जाएगी और साथ में आपको मार्केट्स में भी मिल जाएगा सामान। लेकिन बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करना। अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो अपना टाइम इन्वेस्ट करना, अपना हार्डवर्क इन्वेस्ट करना, कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट करना, पेशेंस इन्वेस्ट करना। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स धीरे 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 जरूर देखने को मिलेंगे। मिलती हूँ आपसे मैं बहुत जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं ज़रूर से शेयर करूंगी, अपने इक्विपमेंट्स भी दिखा दूंगी आपको कि मैं कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ कर रही हूँ। नाम तो मैंने बता ही दिए हैं आपको, और बाकी और भी आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगी कि मोनेटाइजेशन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होता है, आगे जो भी प्रोसेस रहता है, क्या कैसे मेलिंग सिस्टम रहता है, क्या क्या होता है, कब आपको रिप्लाई मिलता है, कब नहीं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मेरा मन है लिटरली अपनी यूट्यूब जर्नी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने का। बिकॉज हो गए यार 1.5-2 साल हो गए इस प्लेटफॉर्म पे काम करते करते, तो अब बहुत चीजें सीखी हैं और ज्ञान अपने अंदर रखकर कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को जो भी चीजें मैंने सीखी हैं वो मेरे जो फेलो यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं या जो भी बडिंग यूट्यूबर्स हैं, बनना चाहते हैं, ठीक है, उनको मैं हेल्प कर सकूं। सो आप जल्दी से प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दे दो। अगर वीडियो पसंद आया या इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आप जो भी इससे यूट्यूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो, उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग या न्यू वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स Marshika10 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जाओ जाके फॉलो करो, वहां पे मैं अभी आजकल डेली रील्स डाल रही हूँ क्योंकि वहां पे भी जोरों शोरों से काम चालू है। चलो गाइज बाय, टेक केयर, बाय।